बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जी। तो ये जो मैं आपके साथ शैम्पू शेयर कर रही हूँ ये है गोल्डन शैम्पू, मेथी दाना और अलसी से बना, बहुत ही कमाल का ये शैम्पू। अगर आपके बाल फ्रीजी हेयर है बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू है। अगर आपके बाल बेरौनक हैं, खुरदरे हैं, आपको बहुत से आपके बालों के मसाइल का सामना है तो आप भी इस शैम्पू को लाजमी घर पर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। आप इस शैम्पू को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल नरम मुलायम सिल्की और चमकदार बना देगा। जब आप इसे अपने बालों पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। इस तरह लगेगा कि जैसे कि आपने कैरेटिन कराया है, ठीक है। इससे आपके बाल बहुत ही नरम मुलायम हो जाएंगे। इस शैम्पू के इस्तेमाल से बहुत ही कम अरसे में आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे, आपके बालों का गिरना बंद हो जाएगा, आपके बालों में जो दो मुंह बाल हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप भी इस शैम्पू को घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और इजी तरीके से बनने वाला जी शैम्पू है। तो फिर चलिए चल के स्टार्ट करते हैं इस शैम्पू को बनाना, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है अलसी और मेथी दाना, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरी आपने अलसी लेनी है और साथ ही इसके आपने मेथी दाना ले लेना है। दोनों चीज़ों को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, कुछ भी इसके अंदर ना हो, ठीक है। इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे, इसके दो दो चम्मच हमने लेने हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बनने वाला घर पे ये शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप इस शैम्पू को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कमाल का ये शैम्पू है, आप गोल्डन शैम्पू, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार होता है। बहुत ही आप इसको शैम्पू को जो 2 से 3 माह के लिए अपने जो है ना फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये मैंने लिया है पानी, ठीक है। 2 ग्लास इसके पानी के लिए लिए हैं मैंने। इसके अंदर जो है ना मैं 2 चम्मच भर के डाल दूंगी अलसी के, ठीक है। 2 चम्मच अलसी के मैं डाल दूंगी 2 ग्लास पानी के अंदर, ठीक है। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 चम्मच भर के जो मेथी दाना है ना वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। जितना आपने शैम्पू बनाना हो आप उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, उसको हल्की आँच पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आँच पर पकने के बाद आपको पता है इसकी जेल जो है ना वो बहुत ही जल्दी निकल आती है, अलसी की और मेथी दाने की। ये बहुत ही कमाल का जो है ना जादुई शैम्पू है। इसके साथ में आपको जो है ना इसका जो ना हेयर मास्क भी मैं आपको इसके साथ जो है ना वो बना के दिखाऊंगी। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसको एक मरतबा लगाएंगे, आप देखिएगा, आप इसको अपने घर पे जो है ना बार बार इसको ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान और इजी तरीके से, और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं की है। आपके सामने है कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ों के साथ ये गोल्डन शैम्पू जो है ना बना के तैयार किया, ठीक है। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर ही ना ये गाढ़ा होने लग गया है, और इसकी जो जेल है ना वो आपके सामने है, वो इसकी अलसी की जेल जो है ना वो सामने आ गई है। ये देखिए बहुत ही गाढ़ा गया, उसके साथ जितनी देर में वो पक रहा है। तो हमने ये लिया है एलोवेरा का, ठीक है। एलोवेरा की हमने एक डंडी ले लेनी है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मेरे पानी में डाल के रख देना है, ताकि इसके ऊपर से जो इसके पीला पीला जो इसका पानी होता है ना वो आप बालों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसको निकालने के बाद जो हमने इसके जो किनारे हैं ना वो रिमूव कर देने हैं छुरी की मदद से, उसको हमने बारीक बारीक सा कट कर लेना है, ठीक है। बहुत ही फ्रेश और ताज़ा एलोवेरा है। इसी तरह से आपने भी फ्रेश एलोवेरा लेनी है। आप चाहें तो एलोवेरा जेल जो बाज़ार वाली है ना वो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। इस शैम्पू के अंदर जो है ना आपने फ्रेश वाली एलोवेरा ही जो है ना इस्तेमाल करनी है। देखिए कितनी फ्रेश है ये, इसके जो लीव्स हैं कितने फ्रेश हरे हरे हैं, उसकी जेल जो है वो कितनी ज़बरदस्त है। क्योंकि ये जो इसका पीला पानी होता है वो कड़वा होता है और हमारे जो है ना शैम्पू है वो उसको भी ख़राब कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट बस आपने इसको पानी में डालना है, उसके बाद जो है ना हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जो है ना कट कर लेना है, ठीक है जी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जेल जो है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही गाढ़ी सी, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और मैं इसको ठंडा कर लूँगी, 10 से 15 मिनट में जो है ना ये जेल जो है ना वो अलसी और मेथी दाने की वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने करना क्या है, जैसे ही ये ठंडी होगी हमने ना इसको ब्लेंडर जार में डाल देना, ठीक है। अब ये देखें ये ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको जो है ना ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ना इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। सारी मैंने इसके अंदर डाल दी, साथ ही जो मैंने एलोवेरा काट के रखी थी वो मैंने डाल देनी है। अगर ये आपका ब्लेंड ना हो तो आप थोड़ा सा 1/2 ग्लास इसके अंदर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास बारीक दुपट्टा है शिफॉन का या कोई मलमल का कपड़ा है आपने उसके अंदर इसको सारी जो जेल है ना हमने बनाई, ठीक है, शैम्पू जो हमने बनाया है उसके अंदर डाल के तो इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से निचोड़ लेना है। जो जेल है वो इसकी नीचे निकल आएगी और जो है ना इसका जो सारा ये
अलसी के बीज वगैरह और मेथी दाना है वो इसके ऊपर रह जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर, देखिए कितना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त और कमाल का ये शैम्पू जो है ना बनके तैयार हुआ है, जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम और बिल्कुल भी जो इनके बाल उतर रहे हैं, गंजापन है उनके बाल जो है ना वो जो गिरने से रुक जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू है। ठीक है, फ्रिजी हेयर के लिए तो ये बहुत ही कमाल का शैम्पू है। इसके आपने दो हफ्ते में दो मरतबा आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, इस्तेमाल करने के बाद आप देखिएगा कि इससे जो है ना आपके बाल कितने खूबसूरत चमकदार होंगे। ठीक है, ये जो हमने इसका जो रह गया था अलसी और मेथी दाने का मिक्सचर, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको हमने पैन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लेना है, इससे जो है ना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ना हेयर मास्क जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और ये देखें ये जो मैंने शैम्पू बनाया ना ये बन के तैयार हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब आपने कोई भी जो शैम्पू आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं ठीक है वो हमने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल देने हैं। शैम्पू मैंने डाला है पैंटीन का, ठीक है, इसको पैंटीन का शैम्पू डालने के बाद 2 चम्मच ही बस डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो नहाने से पहले भी आप इसके अंदर, अगर आप इसी तरह इसको रखना चाहते हैं नहाने से पहले, थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है साथ में शैम्पू ऐड करके, तो अपने बालों को अच्छी तरह से आपने इसे जो है ना वॉश कर लेना। ठीक है, ये देखिए शैम्पू डालने के बाद जो है ना इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है ना झाग जो है ना वो बन के तैयार हो चुकी है। कलर देखे इसका कितना खूबसूरत आया है, गोल्डन शेप, बहुत ही खूबसूरत सा ये बनके रेडी हुआ। अब आपने करना क्या है, आपने जिस बोतल में इसको डालना है, आप किसी कोई भी शैम्पू की खाली बोतल ले लें, ठीक है, बिल्कुल खुश्क बोतल होनी चाहिए, उसके अंदर पानी ना हो। तो अब मैं जो है ना इसको इस तरह की कोई भी आपने खाली बोतल ले लेनी है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना जो शैम्पू मैंने बनाया है वो इसके अंदर डाल के आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। ठीक है, यूज़ करने के 15 से 20 मिनट पहले हम इसको फ्रिज से निकाल लेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा आपको पता है फ्रिज में, तो उसके बाद नॉर्मल ही टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, कितना ही कमाल और जादुई शैम्पू है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आराम से इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। अब आपको बालों के जितने भी मसाइल हैं इस शैम्पू से आपके घर पे सारे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लगा के हाथ पे दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी झाग होती है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त एलोवेरा आपको पता है हमारे बालों के लिए कितनी ज़बरदस्त है, एलोवेरा, अलसी और मेथी दाना, ये तीनों जादुई चीज़ें हैं। आप इस शैम्पू को जो है ना लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, गोल्डन शैम्पू आप एक मरतबा बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इसको आप बार बार बना के अपने बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।